एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सिंगापुर में जो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, वो अब हो चुका है। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर से लालू प्रसाद यादव को अब आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो तस्वीरें सीधे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल से आ रही हैं सामने, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। एक बेटे होने का कर्तव्य जो धर्म होता है वो उसका पालन कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी, मीसा भारती के जो पति हैं इंजीनियर शैलेश, ये तमाम लोग उस अस्पताल में वहां पर मौजूद हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव का आज किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। तेज प्रताप यादव की अगर बात कीजिए तो वो पटना में मौजूद हैं और लगातार सुबह से महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है बिहार के सभी जगहों पर। और देश में एक बड़ी आबादी है जो लालू प्रसाद यादव को पसंद करती है, तो ये तमाम लोग सुबह से पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, हवन यज्ञ चल रहा है ताकि उनके जो नेता हैं, जो बिहार के जन नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े जन नेता लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो सफल रहे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पूर्व हमने आपको वो खबर भी बताया जिसमें रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं वो अपना किडनी जो है वही दे रही हैं और उनका किडनी का जो ऑपरेशन है वो सफल रहा है। और इसके बाद करीब 3 या 4 घंटे का समय लगा है जब लालू प्रसाद यादव के बॉडी में, के शरीर में किडनी को प्लांट किया गया है। रोहिणी आचार्य का किडनी जो है वो अब लालू प्रसाद यादव के शरीर में प्लांट कर दिया गया है और ऑपरेशन थिएटर से लालू प्रसाद यादव को निकालकर अब आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पूरे बिहार समेत देश की जो नजर है वो लालू प्रसाद यादव पर टिकी हुई है कि आखिरकार ऑपरेशन तो सफल रहा है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं सिंगापुर से वो यही है कि लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन जो इन्फेक्शन फैलने का डर होता है ऑपरेशन के बाद, या जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसका प्रवाह कहीं तेज ना हो जाए, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन तमाम चीजों पर लगातार जो सिंगापुर की डॉक्टर्स की टीम है उनकी नजर बनी हुई है। तो पूरा परिवार आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव का, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, उनके बड़े दामाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य के पति, ये तमाम लोग जो है वो अस्पताल में मौजूद है। जो कॉरिडोर है वहां पर उससे सीधे तस्वीरें आई हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव को जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालकर आईसीयू में भर्ती कराने ले जाया जा रहा था तो पूरा परिवार उनसे कुछ दूरी बनाकर, चूंकि कोविड का भी समय रहा है और कोरोना फैलने का भी, और संक्रमण सबसे बड़ा खतरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो कुछ दूरी बनाकर तो तमाम परिवार के लोग हैं ये लोग लालू प्रसाद यादव के साथ दिखे हैं। और ये तस्वीरें सीधा सिंगापुर से आ रही हैं। और भी जो अपडेट होंगी लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई वो आप तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज बिहार के एक सीट कुड़नी में उपचुनाव हो रहा है, कुड़नी विधानसभा में, वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।